أنا أهلا وسهلا حياكم الله. يس باكم عليكم السلام عليكم. كيف حالك؟ الله طيب. وبركاته. كيف صحتك؟ عز من جانا. الله يحييك. مرحبا الله حبيبي. مرحبا كيف الله يحييك في طيبة كيف. الطيبة في المدينة المنورة في مزارع عالية المدينة. الحمد لله. أهلا وسهلا يا ضيوف الرحمن. شكرا. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. अच्छा माशाल्लाह अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाग के अंदर है ना ये भाई देखो भाई खजूर मसरूफ़ है। हाजी साहब ये कौन सा खजूर है? रोताना है ना। तीन किस्म के खजूर पड़े हैं जो अभी पका है वही इस वक्त मौजूद और आज भी अजवा अभी तक नहीं पका है। अभी खजूर रखे हुए हैं और ज़ियाफ़त कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप बैठेंगे आपको खजूर वहाँ पर मैसर है और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस खूबसूरत बाग का नज़ारा भी करते जाएगा। जी दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं आलिया के मकाम पे। आप दोस्तों को पता है आलिया के मकाम में बहुत सारे मज़रा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। आज ये हम पर हम आप दोस्तों को दिखा देंगे मज़रा अल आलिया। मज़रा अल आलिया के अंदर आज जो मज़रा का मालिक है उनसे आप दोस्तों की मुलाकात करा देंगे। क्या यह अहले बैत से इनका ताल्लुक़ है और इस मज़रे के अंदर जो खजूरें हैं क्या ये वही खजूरें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग में हुआ करते थे? और इसके साथ ये इस बाग के अंदर कौन कौन सा खजूर है और कितने किस्म का खजूर है? बहुत सारा कुछ आज की वीडियो में। बहुत ही मुबारक बाग है। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना। सो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं। इसका बाग का जो मेन इंटरेस्ट है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आप दोस्तों को दिखाया था ना ये काफ़ी खूबसूरत सा मेंटेन करके रखा हुआ है। जो पुराने पुराने चीज़ें हैं ना पुराने पुराने तस्वीरों से और पुराने पुराने मुख्तलिफ चीज़ों से ना ये जो मेन इंटरेस्ट है इनको बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। ये जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ना यहाँ पर इस्तकबाल के लिए ना इस्तकबाल के लिए यहाँ पर खजूर रखे हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पर तीन किस्म के खजूर रखे हुए हैं माशाल्लाह। ये देखो यहाँ पर रोताना रखे हुए हैं। ले लो ना यासिर बिस्मिल्लाह कर लो। तो सबसे पहले भाई खजूर खा के ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से वीडियो को शुरू करते हैं। ये रोताना खजूर है फ्रेश फ्रेश यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पर दो किस्म के और खजूर रखे हुए हैं। एक ये रखे हुए हैं एक ये रखे हुए हैं। जो भी आपको खाना है आप पहले खजूर खा लें उससे पूछते हैं यहाँ पर जो खजूर है क्या यही वही खजूर है। तो इससे पहले थोड़ा सा इस बाग के आप दोस्तों को दिखाते हैं। इस बाग का जो माहौल है ना वो आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत सा सिस्टम बनाया है पानी को। यहाँ नीचे है ना इसके नीचे यहाँ पर मोटर लगा हुआ है वहाँ से खींच के ना यहाँ पे मज़रे को सिराब किया जाता है। तो पानी को टेस्ट करते हैं। ये इस मज़रे का पानी है माशाल्लाह। इनका यह खूबी है ना ये इस पानी का जो यहाँ का मालिक है ना इस बाग का वो बोला इस पानी का ये खूबी है ये गर्मी में ठंडा हो जाता है जैसा माशाल्लाह अभी ठंडा है। और जब ये सर्दियाँ शुरू होती है ना जैसे हमारे यहाँ चश्मे का पानी होती है इसी टाइप का हमारे यहाँ जो चश्मे के पानी होते हैं ना गर्मी में वो ठंडा होता है ठंडा में वो गर्म होता है ये भी इस तरह का है। अभी इसका टेस्ट भी चेक करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त सा पानी है भाई ठंडा ठंडा और अल्हम्दुलिल्लाह मीठा मीठा पानी है। तो आइए आपको थोड़ा सा इस बाग की तरफ भी लेके जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत माहौल बनाया है इस बाग के अंदर। जब आप आ जाते हैं ना तो आपको वही पुराने ज़माने की यादें ना ताज़ा होती है जो अहले मदीना पूरे पहले ज़माने में जो इस्तेमाल करते थे ना घरेलू चीज़ें वो सारे हर तरह का जो माहौल है इस बाग के अंदर उसी टाइप का माहौल बनाया है। यहाँ पर इस बाग के अंदर ने ना बैठने के लिए काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह बनाए हुए हैं और यहाँ पर भी खजूर रखे हुए हैं और ज़ियाफ़त कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप बैठेंगे आपको खजूर वहाँ पर मैसर है। आप खजूर बैठेंगे ना और खजूर भी खा लें और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस खूबसूरत बाग का नज़ारा भी करते जाएगा। वाह जी क्या खूबसूरत
माहौल है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बागात हुआ करते थे, यो इसके नाम से यहाँ पर कुछ 7 बागात हुआ करते थे। उनमें से एक बाग ये है जिस बाग के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये उस बाग की खजूरें, बहुत ही बड़े बड़े खजूरें हैं। आप देख सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाग के अंदर ये खजूरें हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खजूरें हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जिस तरह सलमान फारसी के बाग के अंदर आपने देखा था यासिर, नहीं देखा था, हाथ नहीं का बाग है, पहली बार देखा आपने, पहली बार देखा, अभी तक उसने नहीं देखा, हालांकि उसकी पैदाइश भी यहाँ पे हुई थी। तो सलम के जो बाग के अंदर है माशाल्लाह, ये बतख, बहुत ही बड़े बड़े बतख है, देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर आप इस मजरे के मुतालिक पढ़ना चाहते हैं ना, आप इसको जूम करके आराम से भी पढ़ सकते हैं। ये मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको जूम करके ना बिल्कुल इस बाग के मुतालिक आप पढ़ सकते हैं, ये कौन सा बाग है, कौन सी जगह में ये बाग इस वक्त है और इसका लोकेशन कहाँ है। अगर आपको लोकेशन की ज़रूरत हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोकेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको अरबी में पढ़ना आता है तो यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है, ये भी आप, ये शहर मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों से निकाला है। और यहाँ पर ये देखो भाई, ये लस्सी बनाते ना पुराने ज़माने में हमारे यहाँ, और बस जगहों पे अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, ये देखो भाई लस्सी बनाने के लिए। और तो टंगों की जो पुराने इस तरह का टंगे हुआ करते थे शहर मदीना मुनव्वरा में, और ये लोकल टाइप है आलम मदीना, यहाँ पर बैठते हैं। और ये जो खजूर की जरीद है ना, खजूर के जाड़ से ये बनते हैं, ये देखो कितना खूबसूरत सब बना हुआ है नरम टाइप का। और ज़ायरीन बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा है ना, ज़बरदस्त सा माहौल होता है यहाँ पर, बैठने के लिए जगह है और ज़ियाफ़त भी काफ़ी अच्छे करते हैं। यहाँ का जो बाग का मालिक है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही मुख्तरम इंसान है। जब आप यहाँ पे आते हैं ना, आपको बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम करते हैं। और ये माहौल है इस बाग के अंदर, हर चीज़ यहाँ पर दस्तियाब है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इससे पूछते हैं इस बाग के अंदर कौन कौन सा खजूर है, इस वक्त यहाँ पर सेल भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई, ठीक ठाक खैरियत? अच्छा बात सुनो, ये जो बाग है, ये आप सब सल्लम का बाग है ना, इसके अंदर कौन कौन सा खजूर है? खजूर है, रोताना है, ये रोताना, ये अच्छा, ये रोताना है, और बेद है, बरनी है, जेद कौन सा है, ये वाला क्या नाम है, बेज, और ये बेज है, ये कौन सा है, ये हलवा है भाई, आप सल्लम के बाग के अंदर ये 3 कस्म हो गया, ये कौन सा है, अच्छा ये 3 कस्म के, अच्छा अच्छा सारा खजूर है इसके अंदर। और इस वक्त यहाँ पर अभी 3 कस्म के खजूर पड़े हैं, जो अभी पका है वही इस वक्त मौजूद, और अजवा अभी तक नहीं पका है, अच्छा ये जो इस बाग का मालिक है बेद में से नहीं है ना, ये हरबी है ना, अच्छा माशाल्लाह। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाग के अंदर है ना, ये भाई देखो भाई, अभी खजूर उतारने में खजूर मसरूफ है। हाजी साहब ये कौन सा खजूर है, रोताना है ना, बेदा, ये बेद तमुर है भाई, देखो इस वक्त ये भाई साहब उतार रहे हैं, और क्यों उतारा नहीं, अच्छा अच्छा ये अभी उतार के आ रहे हैं। एक भाई साफ ऊपर है, देखो भाई एक भाई बिल्कुल ऊपर खड़ा है साफ से टॉप में, ये देखो भाई, ये भाई साफ वहाँ पर बेच के जो खजूर है ना वो उतार रहे हैं। और एक भाई बहुत मुश्किल आराम आराम से जूता निकाल के नीचे आ रहा है। ये आप सल्लम के जो बाग के अंदर खजूर है ना, ये क्यों काला है जी साहब, इसको जलाया है, अच्छा पहले जलाया और आग लगी हुई थी, यानी बच गया था, आग लगा हुआ ख़राब नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये आप सल्लम के जो बाग के अंदर आग लगा हुआ था, ये देखो ये जो खजूर है ना आधा तन तक ये जला हुआ है, फिर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी ये फल दे रहा है, हाँ मजरतुल आलिया, आप सल्लम का मजरा है ना भाई, ये अंबर है, रोतान है, और भरनी है, अच्छा यहाँ का जो अजवा कितने का किलो मिलती है, महंगा होता है ना, कितने का,
सौ तक। हाँ, जैसा मैं पहले आप दोस्तों को दिखाया था ना, जो आलिया का इलाका है ये मुबारक इलाका है। यहाँ पर आप सब सलाम की जो बागात है ना, यहाँ के जो खजूरें होती महंगा होते हैं। हाँ, अवाली का जो इलाका है यहाँ पर खजूरें होते हैं। हाँ, यहाँ पर क्यों ये महंगा होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुबारक इलाके है, मुख्तलिफ चश्मे हैं। वहाँ पर आप सल्लम तशरीफ़ लाए, जैसा ये बाग है ये आप सल्लम के बाग है, और जो 20-25 रियाल में आपको मिलते हैं ना बाहर में, वो आप यानी मदीने का खजूरें नहीं होती, वो मदीने के बाहर जो खजूरें होती हैं वो वही अजवा होती है। तो कोशिश करें जिसे आप लेते हैं ना उससे पूछ लिया करें कि भाई ये अवाली का इलाके का अगर खजूर है ना वो ख़रीदने की कोशिश करें, क्योंकि वो मुकद्दस मिट्टी का खजूरें होती हैं। इसे भाई इसमें खजूर डाल के फिर नीचे लेके आते हैं, ऐसा ही है ना भाई? हाँ, साइन है ना, साइन बहुत ही तगड़े लोग हैं। साइन है आप भी? हाँ, ये सब साइन है ना, सिंध के है ना आप सब? सिंधी है, साइन है भाई, ये बहुत तगड़ा लोग होते हैं ना। खजूर का काम इससे बेहतर कोई भी नहीं जानते हैं, और अहले मदीना कोशिश करते हैं ना जो सिंध के हमारे भाई होते हैं ना इनको अपने हाँ रखते हैं, क्योंकि ये खजूर आपने उतारा है। हाँ, ये गरम खाएगा, सूखे गाल। अच्छा, उधर थोड़ा से लगाए। हाँ, गरम का जो है ना उधर रखते हैं। बकरी खाते हैं भाई। ये देखो अजी साहब ने ये बकरियों के लिए अलग से खजूर रखा है, ये बकरियों के लिए रखा है यहाँ स्पेशली। पर जो चाय है ना, चाय का भी इनका स्पेशली मिलता है, यहाँ से मिट्टी में बनता है। ये देखो भाई बना दिया माशाल्लाह, इनको चाय पीना नहीं था ना, और ठंडा ठंडा जूस। ये देखो भाई क्या बात है यासिर, माशाल्लाह। और इस वक्त मदीना मुनव्वर का एक ही ज़बरदस्त सा रंग मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। और अहले मदीना जब पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में ना शादियाँ कैसे करते थे, शहर मदीना मुनव्वर के जो पुराना जो घर हुआ करते थे ना वो कुछ इस तरह का हुआ करते थे। ये देखो ये बकरे के जो बाल है ना वहाँ से ये बना हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत माहौल है। ये देखो भाई, ये इनके साथ जेस के तौर पर इनको भेजा गया था। ये दुल्हा है, दुल्हन और दुल्हा है। ये देखो भाई, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर शादी की तकरीबात हो रही है। ये इनके जेस है भाई, और बक्स के अंदर इस वक्त कुछ नहीं है, खाली खाली है, लेकिन कुछ इस तरह का माहौल हुआ करते थे जब अहलुल मदीना पहले शादी करते थे ना। ये जो इस बाग का जो मालिक है ना, जो भी आते हैं वो यहाँ पर आके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल करते हैं। ये देखो माशाल्लाह, وبقيت مشربة ام ابراهيم اللي هو بيت ماريا القبطية رضي الله عنها امسك عليها الرسول اللهم صل وسلم عليه يحدنا من جنوب دير غرس استحب ما الرسول اللهم صل وسلم عليه يحدنا من غرب تربة صعيد اللي هي تربة اور اس وقت ہم اگے جی مجلس کے اندر اور یہ اہل المدینہ کا جو مجلس ہوتے ہیں نا وہ کچھ اس طرح کا ہوا ہوتے ہیں یہاں پر ठंडी के मौसम में आग जलाते हैं, और यहाँ पर कहवा चाय वो रेडी करते हैं, और यहाँ पर पुराने ज़माने के करे करे के कुछ सामान रखे हुए हैं, और यहाँ पर और रात को आके बैठते हैं। अमूमन जो रात को है ना, रात को यहाँ पर आते हैं, और मजलिस का टाइप के ना ये तो शहर से थोड़ा सा बाहर बनाते हैं इसी टाइप का, तो रात को यहाँ पर अहले मदीना आते हैं तो इंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है, और ये आप सल्लम के बाग के अंदर यहाँ पर पानी भी आ रहा है। अबशार में वज़ू करेंगे, सल्लम के बाग में ना ये अबशार में वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह, भाई ठंडे ठंडा ज़बरदस्त पानी है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी यमानी पराठे तैयार हो रहा है, मुतब्बा। ये यमान का मशहूर फूड है मुतब्बा, पराठे यहाँ पर रेडी हो रहा है। यहाँ पर देखो जुमला माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। ये जमानियों का होटल है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, जिनका फूड है ना
बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर सेटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठ के आप खा सकते हैं। और यहाँ पर मुतबक है, ये यमनियों का पराठा होता है ना, कुछ इस तरह के बनाते हैं ना, यहाँ अंडे और सब्ज़ी मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का बनाते हैं, और इनको फजलियात बोलते हैं। और यमनी जो लोग हैं, ये अंडे में बनाया हुआ है। और ये किब्दा है, किब्दा भी काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। ये इनका किब्दा है, सबसे पहले मुतबक को इनके चकनी के साथ, ये इनके चकनी है, चकनी के साथ टिक्स करते हैं। ये देखो भाई, ये इनका चकनी है, काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये देखो, ये जो फजूलियात है ना, इसको मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। ये इनको खूब उसके साथ टेस्ट करना पड़ता है। तो ये अंडा है, लेकिन ये मानी टाइप का बना हुआ है। कमेंट यही करूँगा, आए इस बाग के अंदर आके, और इस बाग के अंदर बहुत ही खूबसूरत माहौल है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगा। और आज का वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मज़ीद मक्का और मदीना में की वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके मज़ीद वीडियो देख सकते हैं। तो बाय द वे, जाते जाते हुए अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।